नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। अगर आप फलाहारी नमकीन खाते हैं तो ये पूरी खबर जरूर देखिएगा और यकीन मानिए ये खबर आपकी आंखें खोल देगी और आज के बाद आप फलाहारी नमकीन खाने से पहले हजार बार जरूर सोचेंगे। दरअसल खबर जबलपुर की है, जहां शहर की कोतवाली और क्राइम ब्रांच ने राजीव नगर चेरी ताल में संचालित एक कारखाने में दबिश दी तो वहां का नजारा देख पुलिस वाले स्तन रह गए। कारखाने के अंदर कीड़े लगे सिंगाड़े से फलाहारी नमकीन तैयार की जा रही थी और इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। ये लोग सड़े सिंगाड़े से नमकीन बना लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे थे। छापेमारी के दौरान मौके से साबूदाना, आटा, बेसन, मैदा, हल्दी और मिर्च, पाम ऑयल और कई कुंटल तैयार नमकीन पैकिंग और पैकिंग मशीन, साथ ही 6 भट्टियां जब्त की गई। इन सब सामानों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार राजीव नगर चरीताल में जिनेंद्र कुमार किराए पर मकान लेकर नमकीन फैक्ट्री चलाता है। जितेंद्र कुमार जैन दमोह के कोटेरा का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इस नमकीन फैक्ट्री में कई जहरीली चीजें और कीड़े लगे सिंगाड़े से नमकीन बनाई जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने एक साथ दबिश दी। मौके पर जितेंद्र कुमार जैन मिला, वो अंदर बैठकर लक्ष्मी नमकीन नाम के प्रोडक्ट तैयार कर रहा था। कारखाने में 50 किलो की 8 बोरी में कीड़े लगा सिंगाड़ा मिला, जिससे फलाहारी नमकीन तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा 1100 किलो मैदा, 650 किलो आटा, 850 किलो साबूदाना, 150 किलो बेसन, 400 किलो पीसी मिर्च, 400 किलो हल्दी और 15 लीटर वाले पॉम ऑयल के 35 टीन और 3500 किलो तैयार फलाहारी नमकीन, मिक्सचर नमकीन, सोन पापड़ी, चमकीली और ऐसे ही तमाम नमकीनों के पैकेट बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, एक बड़ी पैकिंग मशीन और 6 भट्टियां भी मिली हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब फैक्ट्री के अंदर इतना कुछ देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद टीम ने खाद्य अधिकारी को फौरन इस बात की सूचना दी। फैक्ट्री के अंदर मिले करीब 10 लाख रुपए के सामान को सील कर दिया गया है और आरोपियों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। फैक्ट्री मालिक जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि वो जबलपुर के अलावा सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, शहडोल के साथ ही कई जिलों में नमकीन सप्लाई का काम करता है। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और मालिक पर अब ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा ऐसी जहरीली चीजें बनाकर लोगों को बेचने के नाम पर इसकी रूह कांप जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।